आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, कोई घर से बाहर निकलता है ना, आज की सापाधापी में आप देखते हैं कितनी मारामारी है। घर के हर एक परिजन चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से कोई सकुशल घर लौट के आए। ऐसी आजकल की परिस्थिति, विशेष रूप से महिलाएं और वो पति उनके जो जोखिम भरे कामों से निकलते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेन में अप एंड डाउन करते हैं, एरोप्लेन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, आर्मी सर्विसेज में हैं, जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो एक्टिव जोन में जिनकी पोस्टिंग करी हुई है, हर दिन चिंता का विषय बने रहते हैं। कितना सीरियस, कितनी जोखिम भरी जिंदगी होती है उनकी, हर समय 24 घंटे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सुहाग की कामना के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम करती हैं, अपने अपने तरीके से, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सुविधा है। देखिए, अगर लाल किताब में जाते हैं, अरुण संहिता में, अरबी की किताब सब लोग जानते हैं, इसके टोटके इसके उपाय बहुत ही चर्चित हुए हैं, अगर उन पे जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पति के सौभाग्य के लिए और पति के शुभत्व के लिए, पति के अपने दीर्घायुष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कवच की तरह काम करते हैं ये। देखिए, जहाँ पूजा पाठ विधियों में जाते हैं तो पूजा पाठ के मैंने इसके तरीके दिए हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, इनके मैंने उपाय दिए थे, कवच मैंने बनवाए थे, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। उसमें जाते हैं अगर लाल किताब के उपाय में जाते हैं आप, तो मैंने बड़ा सरलीकरण किया इसका, मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशि वाली हर महिला के लिए मैंने अलग अलग 12 वीडियो बना दिए। तो जिसकी जो राशि है अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो फलादेश देख सकता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो टोने टोटके उपाय चुन सकता है और अपने सुहाग की रक्षा कर सकता है, पति के लिए सुखकारी सिद्ध होंगे ये वाले उपाय। इसमें करना क्या है, देखिए, राशि अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म की राशि पता है तब आपको अपना लगन निकल आएगा। लगन अगर जन्मपत्री में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप में जो टॉप मोस्ट अंक अंकित होता है वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ये जो अंक हैं ये क्रमशः इंडिकेट करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो राशि के अंक हैं इसी क्रम में उनकी राशियाँ होती हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पर 8 अंकित है अगर, तो उसके वृश्चिक राशि हुई, 1 अंकित है तो मेष राशि हुई। एक तो ये तरीका हुआ, मगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, अपनी लगन पता नहीं होगी, तो लगन पता नहीं है तब फिर वो अपनी राशि नाम राशि जो है, और नाम राशि भी वो वाली नाम जिस नाम से उनका विवाह संस्कार हुआ था, वो वाला नाम लेके उससे जो राशि निकलती है उस राशि को लेके आप अपना फलादेश, आप अपने उपाय इस वीडियो के अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं और पति के लिए शुभ कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए मैंने एक एक करके दे दिया। और देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई आपकी जो आपकी राशि है उस राशि से अलावा जो अन्य 11 राशियां हैं उन राशियों से संबंधित आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई इष्ट मित्र है, आपका कोई परिजन है, या आप किसी की वेलविशर बनना चाहती हैं उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो सुहाग के लिए, शुभत्व के लिए और उनके उनके और बेनिफिट्स के लिए उपाय ये वाले करते हैं महिलाएं तो शुभ सिद्ध होंगी। देखिए, आप लोग देखते रहिए, 1 से लेकर 12 तक मैंने बिल्कुल बहुत ही सरलीकरण विधि में कर दिया। इसके कुछ नियम हैं, थोड़े से नियम भी बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल से 2-3-4 बता देता हूँ आपको। एक तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये कभी भी उपाय करें आप, एक बार में एक उपाय पकड़ें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ले लें, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा ले लें। इनकी अवधि होती है 8 दिन या 43 दिन। कोई भी उपाय अगर आप टेकअप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली 8 दिन या 43 दिन आप करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा पकड़ लें। उपायों में एक समस्या आती है जल में प्रवाह करने वाली बात। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती, उसका फिर विकल्प ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए नारियल विसर्जित करना है, सिक्के छोड़ने हैं, फूल विसर्जित जल में छोड़ने हैं, तो वो फिर जमा करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 8 दिन का संकल्प पकड़ा या आपने 43 दिन का संकल्प पकड़ा, तो वो आप जमा करते रहें,
जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं, 43 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर वो एक साथ जहाँ भी जल की सुविधा हो वहाँ विसर्जित कर दें। इसका फिर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बहते हुए पानी का लाल किताब में बहुत उपयोग बताया गया है। बहते हुए पानी का मतलब बहते हुए पानी, यानी कि हमें ये भावना मन में रखते हैं, कोई भी चीज़ जल में प्रवाह करवाते हैं हम, कि हम अपने कष्ट, अपने पाप पानी में हम बहा रहे हैं, हम दूर बह के जा रहे हैं। इस भावना से हम देखते रहते हैं जल को, कि जल के प्रवाह के साथ हमारे कष्ट सारे के सारे भी बह के जा रहे हैं, ये उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाली में डालना है, गंदे पानी में डालना है, कुएं में डालना है, वो फिर एक अलग चीज़ें हो गई। तो इतना सा सरल सा, और फिर पूजा के लिए अपनी अपने तरीके जो आप अपने पूजा पाठ करती हैं उनके साथ उसमें ये भी आप जोड़ सकती हैं। एक राशि वाले के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये देखिए कौन सी राशि है, इसके अकॉर्डिंगली। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंह राशि जिनकी है, जिन महिलाओं की, यह सिंह लगन जिनकी है लियो, उनके लिए उपाय बता रहा हूँ छोटे छोटे से। ये करिए देखिए आप, अगर दान में विश्वास करती हैं आप, तब आपके लिए दान का, तब आपके लिए चावल का दान, चांदी का दान, दूध का दान, सफ़ेद वस्त्रों का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत शुभ होंगे। दान के लिए देखिए आपकी अपनी बुद्धि और विवेक कि दान की पात्रता किस में है, कौन दान का पात्र है, उसको आप दान कीजिए। और अगर आप उसमें जाना चाहें कि विधि विधान में तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है, तो अपने बस मानसिकता आप सोच लीजिए कि आपने अपनी तरफ से कर्म कर दिया, आपने दान कर दिया, बाकी उसका भाग्य आपका भाग वो जाने, और उसके जो जहां आपने दिया वो जाने, भूल जाइए उसके बाद में उसको। रात्रि में जिस समय किचन बंद करते हैं तो रोटी बनती है, अंतिम रोटी में एक थोड़ा सा पीस तोड़ लिया और वो अग्नि में उसको जला दिया कीजिए, इतना सा मात्र, ये एक नियम बना लीजिए रात्रि काल में, ये अवश्य कर लिया करें। अगर कोई शुभ कार्य से निकलती हैं आप घर से, कोई भी एक्सवाइजेड, चाहे आप निकल रही हैं या हस्बैंड के साथ निकल रही हैं, तब थोड़ा सा मीठा खा के ज़रूर निकला करें। पहले दही चीनी खा के भेजते थे, दही मिश्री खा के भेजते थे, तो वो बड़ा एक शुभ के लिए, बड़ा शुभता के लिए बड़ा अच्छा होता था, वो रिवाज तो ख़त्म हो गए। तो अब आप चीनी डाल सकती हैं मुँह में, टॉफ़ी मुँह में रख सकती हैं। अगर डायबिटिक कंडीशंस हैं तो अवॉइड कीजिए, और एक आध दाना, दो दाना चीनी का डालने में से तो कोई, मैं नहीं समझता किसी बात का कहीं कोई हानि हो सकती है। गाय को ज़रूर कुछ ना कुछ करें आप, जो भी तरीका होता है, गाय को चारा भी देती हैं, तो मैं बार बार देखिए हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर गाय की सेवा कर रही हैं तो भावना होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि जैसे कुत्ते को दाना डाल देते हैं, कुत्ते को चारा डाल देते हैं, ऐसा नहीं जैसे कुत्ते को खाना डाल देते हैं ना, ऐसे नहीं, एक भाव से उसको पुचकार के, उसको दुलार के, उसको सहरा के उस तरीके से डालिए, तब उसकी जो जो उसकी आँखों में जो ममत्व छलकेगा, उसकी आँखों में जो दया भाव छलकेगा, उसकी आँखों में जो आपसे अपेक्षाएँ छलकेंगी, उनको पढ़िए, उसको मनन कीजिए, उसको गुणन कीजिए, और वो समेटने का प्रयास कीजिए, आप देखिए कितना आनंद मिलेगा आपको। एक छोटा सा चांदी का कोई सिक्का ले लीजिए, चांदी का कोई एक स्क्वायर पीस सुनार से कटवा लीजिए, चांदी की कुछ भी चीज़, अंगूठी नहीं हो, रॉ फॉर्म में हो, अंगूठी ना हो, चांदी का एक छोटा सा पीस कटवा लीजिए, स्क्वायर हो या राउंड शेप में हो, ये सदा अपने साथ रखा कीजिए। अगर मान लीजिए साथ रखने में कहीं लगती है, प्रॉब्लम आती है, तो सुनार उसमें हुक लगा देते हैं, हुक में उसको पिरो लीजिए आप, चाहे धागे में पहन लीजिए, चाहे चेन में पहन लीजिए, ये आपके गले में परमानेंटली पड़ा रहेगा। दीमकों के लिए कुछ किया कीजिए, देखिए जगह जगह दीमक की बामियाँ मिलती हैं, अगर कहीं सुलभ है दीमक की बामी, तो दीमकों के लिए कुछ ज़रूर डाल दिया कीजिए, उनको चाहे तो उनको चीनी आटा मिला के डाल दीजिए, उनको पंचमेवा मिला के डाल दीजिए आटे में चीनी में, जो भी अपने सरलता से आप कर सकती हैं वो आप करें। देखिए जो जो दृष्टिहीन हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, है ना, जिनको 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 नज़र बाधित हैं जो, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, जो भी तरीका आपका हो सकता है, जिस तरीके से भी आप उनको प्रसन्न करने के उपक्रम कर, उनको प्रसन्न करने के उपाय आप कर सकती हैं। माँ का अपनी और कोई अपनी ग्रैंड मदर है, कोई आपके ग्रैंड फादर, कोई महिला घर की माँ हो, कोई और बुज़ुर्ग महिला हो आपके घर की, उनके हाथ से थोड़े से चावल ले लें आप,
ये चावल एक छोटे से डब्बी में भर लें, चाहे स्टील की डब्बी हो चाहे चांदी की डब्बी हो, और ये डब्बी अपने पास परमानेंटली रखें आप, जहाँ आपके अपने बिलोंगिंग्स हैं। ये एक विग्रह बन जाएगा आपका, एक रक्षा कवच बन जाएगा आपके लिए। इसको रखे रखना है, करना कुछ नहीं इसका, ऐसे ही रखा रहेगा। तांबे का सिक्का छेद वाला आता था पहले, अभी भी मिल जाएंगे आप जो पूजा सामग्री बेचते हैं, यहाँ पर जाएंगे छेद वाला अगर सिक्का मिल जाता है। इसका पहनने का मैंने तरीका वीडियो दिया हुआ है कि इसको किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, और अगर नहीं है तो इसको छेद में है आप धागे में, ऐसी धागे में इसको डाल के, धागे में सिक्का पिरो के ऐसे आप गले में डाल लीजिए। और अगर इसका प्रॉपर आपको इसका प्रॉपरली इसका बेनिफिट लेना है तब फिर मेरा वीडियो देखिए आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये आपके लिए और बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। बंदरों की सेवा ज़रूर कीजिए, उनको गुड़ दीजिए, चने दीजिए, खाना दीजिए। और जहाँ पे बंदर नहीं होते वहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए, और ऐसी चीज़ें दीजिए कि उनको उनके मन से किलकारी निकल पड़े। तो वो जो किलकारी निकलेगी, वो जो उनकी प्रसन्नता होगी, वो आप बटोरें, तो ऐसा लगेगा अच्छे से बंदरों को ही खिला रहे हैं आप, वो प्रसन्नता बटोरनी है आपको। और बंदर अगर सुलभ हैं तब तो बहुत ही अच्छा, फिर बंदरों के निमित्त आप कीजिए। देखिए मैं अवॉइड करता हूँ, अगर आप नॉन वेज हैं तो अवॉइड कीजिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, तब तो कोई परेशानी है ही नहीं। अगर आपके इन लॉज हैं, आपके आपका भांजा है, उनको गिफ्ट दे के, उनको और भोजन करा के, उनको और नाश्ते पे बुला के, जो भी तरीका ऐसा हो जिससे वो प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता बटोरनी है आपको। दान में देखिए, खट्टी चीज़ का दान कीजिए, है ना, अचार का दान कीजिए आप, नींबू का दान कीजिए, संतरों का दान कीजिए, जो भी साइट्रिक चीज़ें हैं इनका दान आपके लिए बड़ा शुभ होगा। जो सिंह लगन वाले होते हैं इनके लिए बृहस्पति और संडे दो दिन ये शुभ कारक होते हैं इनके लिए। और अगर ग्रहों में देखें, प्लैनेट्स में देखें, तो जुपिटर और राहु इनके योग कारक ग्रह हैं, इनके लिए फॉर्चुनेट होते हैं। इन दो दिनों में आप जो भी कुछ कर सकती हैं, अपने पूजा पाठ अनुष्ठान, अपनी व्रत आराधना साधना जो भी कुछ करती हैं इन दिनों में कीजिए, ऐसे उपक्रम जो इन दो ग्रहों को शांत करने के लिए किए जाते हैं, ये भी बड़े अच्छे सिद्ध होंगे आपके लिए। देखिए ये मैंने आपका एक राशि सिंह के लिए बताया, एक लगन सिंह के लिए बताया। अगर मान लीजिए आपकी नहीं है ये, और किसी आपके और परिजन की 12 राशियों में से कोई राशि है, तो जो और मैंने 12 वीडियोस दिए हुए हैं आप उनको भेज सकती हैं ये, ताकि वो भी बेनिफिटेड हों। जिन लोगों को नीड है इस टाइप की चीज़ों के, जो पति का संरक्षण चाहती हैं, जो अपने पतियों का उत्थान चाहती, जो अपने पतियों की उत्तरोत्तर तरक्की चाहती हैं, जो अपने पति की शुभता की कामना चाहती हैं, उनको आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं, उनको फॉरवर्ड कर सकती हैं। इतनी सी बस रिक्वेस्ट है मेरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेल्प।